अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप आप लोग सब ठीक हैं और अपना ख्याल रख रहे हैं और कोरोना वायरस को अपने घर से बाहर रख रहे हैं, राइट? तो आज की ये स्पेशल क्लास है क्योंकि जब मैंने मॉस्क बनाई वो बहुत बड़ी थी और बहुत अच्छी लगी, बहुत लोगों ने उसकी तारीफ की. थैंक यू फॉर ऑल दैट प्रेज. एंड सो मुझे बहुत सारी क्वायरीज आई कि हमें ये अपनी क्लास में बना के सिखाए. सो आज मैंने एक छोटा सा कार्टन आपसे मंगवाना है, सीजर कटर, एक स्केल और एक पेंसिल और थोड़ी सी ग्लू और कुछ टेप्स, ठीक है? सो मेरा, जैसे आप देख रहे हैं, ये कार्टन है, ग्लू है, टेप है, स्केल है, पेंसिल है, कटर है और सीजर है, ठीक है? और अगर हमारे पास टाइम बचा तो एक और मेरे पास बहुत मजे की एक्टिविटी आपके लिए, ठीक है? सो आप ये सारी चीजें कलेक्ट कर लें. कार्टन जरूरी नहीं है कि बहुत बड़ा हो, कार्टन किसी भी साइज का हो सकता है, जूते का डब्बा हो सकता है या सीरियल का डब्बा हो सकता है या कोई भी कार्टन आपके पास हो, आप लेकर रखें. आई सी यू एट 5. ओके गाइज, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू सरवत गिलानी आर्ट हाउस. आज हम बना रहे हैं मॉस्क छोटे कार्टन से, ताकि आप लोग अपने घरों में बना सकें, ठीक है? तो ये एक कार्टन था मेरे पास जिसके चार हिस्से थे, राइट? और उन चार हिस्सों को मैंने एक करके यहाँ से काटा है और फिर उसको यहाँ से काटा है. तो ये एक दीवार मेरे पास निकल गई है और ये तीन दीवारें. अच्छा, इसके ऊपर का जो ये दोनों तरफ तरफ का फ्लैप काट लेने सारों का, ठीक है? एक का मैंने सारे फ्लैप काट लिए और एक के फ्लैप मैंने रहे. तो ये देखिए, ये जब हम इसको टर्न करेंगे तो ये हमारी, ठीक है? नाउ आई विल टेल यू हाउ टू मेक द मिनाउस. आपके पास जो भी कार्टन है उसका एक जितना भी फ्लैप बचेगा उसके हम मीनार बनाएंगे, ठीक है? तो अब ये जैसे मेरे पास था 6.5 inch का, तो इसको मैंने 1/2 inch साइड पे छोड़ दिए और पूरी ये लाइन ड्रॉ कर दी 5 inches ऊपर, ठीक है? 5 inches ऊपर मैंने ये ड्रॉ कर दी, आपको करी दिया ताकि देखिए 5 inches मैंने ये ड्रॉ कर दी, ठीक है? ये लाइन. और फिर क्योंकि ये 5 inches की मैंने जो लाइन ड्रॉ की है उसकी इतनी आपने डेप्थ देनी है, तकरीबन ये हो जाएगी अबाउट 1, 2, 3, 4, 5 centimeters, ठीक है? आपने थोड़ा सा इसका पैटर्न बचाना और फिर आपने इसका सेंटर लेना है. तो आप थोड़ी सी जगह यहाँ से बचा के एक मार्क करें और थोड़ी सी जगह यहाँ से बचा के एक मार्क करें. मैंने इसको मेजर किया है. Yeah.
पे डबल यू करके मार्क कर दिया, ठीक है। ये वाली साइड जब ये कटेगा तो ऑटोमेटिकली निकल आएगी, और ये दो मीनार्स क्योंकि दो साइड के मीनार्स एक जैसे होंगे, तो जब ये वाला पूरा कट जाएगा तो हम फिर नया बना लेंगे, ठीक है। तो फिर मैं पहले आपको ये काट के करें आपका जो कटर हो वो बहुत अच्छा हो, ताकि आपको आसानी से आप काट सकें। और कटर की आप यू निब्स भी चेंज कर सकते हैं। ये जो इसका बैक हिस्सा होता है आप इसको निकालें, इसमें आप देखेंगे एक छोटा सा कट है, उस कट को आप इस पे रख के यू कैन जस्ट प्लक इट आउट और वो नया ब्लेड आ जाएगा, ठीक है। ये मुझे आर्ट स्कूल के बाद जाके पता चला कि कटर की निब्स भी हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है। मैंने इसको काटा, मैंने इसको काटा। बहुत सारे लोगों ने तारीफ की, आई एम सो हैप्पी, आप सबको बहुत अच्छा लगा, मुझे बनाने में भी बहुत अच्छा लगा। बट वो क्योंकि इतना बड़ा था तो आई जस्ट वॉन्टेड टू डू इट फर्स्ट एंड देन बी श्योर कि मैं जो कर रही हूँ वो क्या ठीक है, ताकि मैं आप लोगों को फिर क्लास में सिखा सकूँ। फिर जमीन पे रख के करें, ठीक है ना, ताकि आपकी सर्विसेज खराब ना हो। ये काट लिया। अच्छा, जब आप ये लोग आप बना रहे होंगे ये मेक श्योर करिएगा बच्चे आसपास ना हो, बिकॉज ये थोड़ा सा यू नो कटर के साथ थोड़ा ट्रिकी हो जाता है बच्चों को संभालना, बिकॉज दे लाइक टू हैंडल एवरीथिंग, दे लाइक टू होल्ड एवरीथिंग, थोड़ा सा हमारा हिस्सा यहाँ से निकला, ठीक है। तो ये जो हमारा हिस्सा निकला हमने उसको फ्लिप किया और हमने उसको यहाँ पे रखा और हमने उसको ट्रेस कर दिया, तो हमारी दूसरी साइड ऑफ द मीनार ही बन जाएगी। हमारी दूसरी साइड बन गई मीनार की, हमारे पास करते थे हिस्ट्री ऑफ डिजाइन, हम जब करते थे नॉट हिस्ट्री ऑफ डिजाइन एक्चुअली कम्युनिकेशन जब हम करते थे, कम्युनिकेशन स्किल्स के अंदर बड़ा उसमें बड़े हाथ करते थे। ये देखिए गाइस, सो सिंपल सो इजी हमारा ये कार्ड, ठीक है। ऐसे जब आपकी टीचर्स आपका हौसला बढ़ाती हैं और आपकी हौसला अफजाई करती हैं, तो बात ही कुछ और होती है। यू वांट इट प्लीज देम इन यूनी डेज, और वो प्राउड हैं आपसे जब वो कहते हैं इसका ही स्पेशल परेशानी आपको ना हो चीज़ें करने में, ठीक है। ये हमारी एक साइड निकल आई और अब मैं इसी तरह इसके ऊपर से ये काटूंगी, इसको फ्लिप
करके, इसकी पिक्चर्स लेके, सब ले लेके आप देख सकते हैं। ये हमारा दूसरा मीनार निकल आया। अब हम इस दूसरे मीनार को इसी के ऊपर रख के हम ट्रेस कर देंगे, तो हमारा तीसरा मीनार भी निकल आएगा। But the whole idea is that you have a good time. If your kids are older, you can do this with them. आप ट्रेस करती जाएं या वो ट्रेस करते जाएं और आप काटती जाएं, you know, इस तरह करके आप कोलैबोरेट करके ये काम कर सकते हैं। ठीक है, हमारा ये मीनार हो गया। इसकी मुझे किसी ने पिक्चर टैग नहीं की, सो आई अज्यूम्ड कि ये किसी से अभी तक बना नहीं, क्योंकि इसकी हमने क्लास नहीं की। एंड माय मदर केप्ट ऑन सेइंग कि ये भी तुम दिखाती लोगों को कैसे करना है, बट वो इतने बड़े उसमें मैं लाउंज में बैठी हुई थी, मैंने जमीन पे रखा हुआ था, सो आई जस्ट थॉट दैट इट्स नॉट क्लास के काबिल, यू नो, स्केल पर। Other actors I've heard ke art classes kare, and that made me really happy, because you see acha kaam agar copy kiya jaye to bahut achhi baat hai, that means ke aapka ye jo ilm ka darya hai kya aage tak jata hai, so I am very happy that people are doing this with their children. और जिस दिन मैं ये नहीं करती हूँ आर्ट क्लास, उस दिन मैं कुकिंग करती हूँ अपनी फैमिली। कल मैंने तंदूरी चॉप्स बनाए थे, पहली दफ़ा बनाए थे और सक्सेस हुई। सो द ब्रेक गिव्स मी एन अपॉर्चुनिटी टू यू नो डू समथिंग डिफरेंट। Thank you.
is so simple. Art, that's what I love about art, that it's simple, yet when you see the product, it looks. ठीक है जी, ये हमारा हो गया, हमारा ये निकल गया. अब मैं अनबीन ने पूछा था मुझसे कि ये मैं बना के उनको दिखाऊं. सो अनबीन, सिंस यू आर सारा'स फ्रेंड, माय सिस्टर्स फ्रेंड, दिस इज स्पेशली फॉर यू. ठीक है जी. व्हाट आई लव अबाउट दीज आर्ट क्लासेस इज हर एज का बंदा इसको एंजॉय कर सकता है. ठीक है, अब हम इसकी ऊपर की खिड़कियां निकालें. अच्छा, खिड़कियों के लिए मैंने क्या किया है कि इससे मैंने तकरीबन 1.5 इंच ऊपर, क्योंकि मुझे पता है कि मेरा ऊपर का हिस्सा कितना रहेगा. ठीक है, तो आपने इसका इस दरवाजे की एज से और इस फ्लैप के बीच में, ऑलमोस्ट बीच में, डिपेंड्स ऑन व्हाट डिजाइन यू वांट, इसके बीच में आपने खिड़कियां बनाई. खिड़कियां बनाने का तरीका ये है कि आपने दरवाजे की बीच को यहाँ रखा, आपने 1 इंच यहाँ मार्क किया, अगले 1 इंच ये हो गया, फिर उसका आधा इंच आपने गैप दिया और फिर 1 इंच ये. ठीक है, तो 1 इंच बीच में दरवाजे के, 1 इंच इधर और 1 इंच इधर आपने उसकी खिड़की बना ली है, और बीच का आप जितना भी डिफरेंस रखना चाहें, मैं आधा डिफरेंस रखना चाहती हूँ. अगेन, उसको आपने स्क्वायर बना देना है, तो आप डिपेंड करता है आप कितनी देर कितनी बड़ी वो रखना चाह रहे हैं. तो मैंने 1 इंच की खिड़की रखी है, मैंने उसको मार्क किया और फिर मैंने न्यू लाइन लगा दी है. अब आई एम जस्ट गोइंग टू स्टार्ट. एक खिड़की का मैंने बेस काट दिया. मेक श्योर करें आप पूरा लंबा ना काट लें, वरना वो जो गैप्स उसके बीच में है वो भी काट.
वाला हिस्सा है इसको हम थोड़ा सा राउंड करेंगे। अब राउंड आप कैसे कर सकते हैं, आप कोई भी गोल चीज ले और उन दोनों पॉइंट से उसको मिला दें। ये देखिए वेरी सिंपल, मैंने दोनों पॉइंट्स इसके एज से, एक एज से और दूसरे एज से, दूसरे एज से मैंने ये राउंड किया, ठीक है। और हम अब इसको राउंड में थोड़ा सो लाइक आई सेड ऑल एजेस के लिए है ये सिर्फ बच्चों के लिए नहीं है, इवन यूनिवर्सिटी किड्स, मम्मीज, सिंगल पीपल, बहुत सारे लोग मुझे सिंगल भी कहते हैं भाई हमारे पास बच्चे नहीं हैं बट हमें भी आर्ट करना है। एंड अनदर फ्रेंड सजेस्टेड दैट आई शुड स्टार्ट टीचिंग बेसिक आर्ट्स, स्केचिंग और ये वो भी अपने टाइम पे हम बिल्कुल जरूर करेंगे, ठीक है जी। ये देखिए हमारी दरवाजा, एक खिड़की और ये दूसरी खिड़की। अब हम क्या करेंगे, क्योंकि हमारे पास ये खिड़कियाँ निकल आई हैं तो हम इसकी मार्किंग करके हम उनके ऊपर रख के उनको निकाल देंगे। वही अगेन मैंने मीनार की
or so. Thank you to all of you guys for sending me so many pictures. अच्छा कुछ खवातीन हैं जो कंप्लेन कर रही हैं कि मैं उनके बच्चों की पिक्चर्स टैग नहीं कर रही, तो मैंने खास तौर पे उनको जाके मैंने देखा कि उनका नाम क्या है और वो टैग मेरे पास क्यों नहीं आ रहा, तो मुझे पता चला कि वो मुझे इनबॉक्स करेंगे. ठीक है, इनबॉक्स नहीं करें आप, और मुझे आप नॉर्मल टैग नहीं करें, आप स्टोरीज पे जाएं, अपनी स्टोरीज जहाँ पे आपकी शक्ल बनी हुई होती है, राइट, जो गोल लेफ्ट हैंड टॉप पे होता है, आप उस पे जाएं, उस पे क्लिक करें, उस पे ऐड करें अपने बच्चों की पिक्चर्स, और वहाँ पे टेक्स्ट में जाके क्लिक करें और लिखें एट सरवत जी, तब मुझे आपकी पिक्चर सारी मिल जाएगी. क्योंकि अ लॉट ऑफ टाइम्स जो मेरे मतलब जो मेरी क्लास के बच्चे नहीं भी कर रहे, जो जो माएँ अपने बच्चों की आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स भी भेज रही हैं, मैं वो भी टैग मतलब मैं वो भी एक्सेप्ट कर रहा हूँ. बिकॉज द होल आइडिया इज टू इनकरेज किड्स कि भाई ये देखें आपकी पिक्चर लगी, अब आज वो कर रहे हैं आर्ट. तो आई एम ऑल फॉर दैट. मुझे पर्सनल किसी से कोई लेना देना नहीं है और मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है. आप इनफैक्ट जब भेजते हैं मुझे पिक्चर्स तो मुझे और I'm not afraid to die.
The whole idea is, अब मैं जब भी मैं ये बोलती हूँ मैं कॉन्शियस हो जाती हूँ बिकॉज रोहान कीप सेइंग व्हाई डू यू कीप सेइंग दिस व्हाई यू कीप सेइंग दिस ठीक है जी
ये ना भूलें कि कौन सी साइड है, राइट। तो हम सिर्फ ब्राउन वाली साइड हमेशा बाहर रखेंगे और बाकी जो भी कलर होगा जो उसकी एडवर्टाइजमेंट है उसको हम अंदर वाली साइड। आपके पास किसी भी किस्म की टेप हो दैट वर्क्स, स्कॉच टेप हो, मास्किंग टेप हो, रेड वाली टेप हो, ब्लैक वाली टेप हो, डजंट मैटर। तीसरा गुंबद आने वाला है और अब बस वी आर ऑलमोस्ट डन। सो इट लिटरली टुक मी लाइक 20 मिनट्स टू मेक दिस। अगेन हम इसको बीच में रखेंगे और इसको मार्क करेंगे। Thank you.
मेडिटेशन आप बहुत क्यूट तरीके से कर सकते हैं वो भी मैं आपको बताती रहूँगी साथ साथ. बट आई जस्ट वॉन्टेड टू गिव यू मेक श्योर दैट आई गिव यू टू प्रोजेक्ट्स फॉर टू डेज. जिस दिन मेरी क्लास ऑफ होती है तब भी आप अपने बच्चों के साथ बैठें और सर प्रधान की पुरानी पिकनिक वीडियो देख के हाँ ठीक है जी. So what I'm going to do is quickly go and grab a plate. I'll be right back. अच्छा जी, फिर हमने ये एक तो छोटा बना लिया, फिर हमने एक और कलर लिया और उसको सर्कुलर एक और बड़ा सर्कल बना के उसको ट्रेस कर लिया. आजकल यू नो दुकानें बंद हैं तो इसलिए जो भी किस्म का पेपर जो भी कलर आपके पास अवेलेबल हो दैट्स फाइन. अगर मेरे पास अभी ऑप्शन होता कि मैं इसको बाइंड करा लूँ, बाइंड नहीं वो क्या होता है प्लास्टिक कोटिंग करा लूँ, दैट्स द बेस्ट वे टू डू दिस मैट. और दिस इज़ अ टेबल मैट जो आप अपने बच्चों की प्लेटों के लिए प्लेट के नीचे रखेंगे. ठीक है. What I like to do is that मेरे बच्चे खाने से पहले बहुत ज़रूरी है कि वो बिस्मिल्लाह ज़ोर से पढ़ते हैं हम, ताकि हर किसी को आवाज़ आए कि हमने बिस्मिल्लाह. ठीक है. हमने ये प्लेट ली, उसके ऊपर ये प्लेट ली, ये अनेक प्लेट. ठीक है. मैं टर्न कर दूँ ताकि करते हैं और सीखने
सकते हैं, उसको आप साफ भी कर सकते हैं. सो गाइज, वी हैव अ प्लेट मैट फॉर द डाइनिंग टेबल एंड द मॉस फॉर टुडे. इसकी बस मैं वेरी क्विकली, जो भी आपके पास पेपर बचा है उसको आप टर्न करें और उसको ट्रायंगल में, वो ट्रायंगल यूं बन गए, आप उसकी डेकोरेशन कर सकते हैं. सो आई जस्ट क्विकली वेरी क्विकली शो यू हाउ यू कैन डू दिस. इसके ऊपर आप लैंटर्न्स लगा सकते हैं, इसके ऊपर आप कुछ भी काट के लगा सकते हैं. इट्स ऑल अबाउट हाउ यू वांट टू डेकोरेट योर मॉस एंड व्हाट द किड्स वांट. ठीक है, और बच्चियां अपनी और मजे की डेकोरेशन कर सकती हैं, जैसे कि स्टार्स लगा सकती हैं, फ्लावर्स लगा सकती हैं. इवन द बॉयज, यू नो, दे कैन पुट स्टार्स और क्रेसेंट. हमारा कभी
जाएगा 20 पीसेस का, तब मैं आपको बताऊंगी कि उसके साथ क्या करना है। ये ऑलरेडी इतने मजे की कॉम्पोजिशन है, ठीक है। आपने वो करना है, इसको कलर करना है, पेंट करना है, यू कैन डू सो मेनी थिंग्स, ठीक है जी। सो दिस इज व्हाट आई वांट द ओल्डर किड्स टू डू, और फिर मैं उसको बताऊंगी जब भी आप मुझे मैसेज करेंगे कि हमारे बच्चों ने ये बना लिए हैं, तो मैं आपको उसकी बताऊंगी कि क्या करना है। यू कैन गो टोटली ग्राफिक, यू कैन डू एनी थिंग यू वॉन्ट, यू कैन जस्ट बी एज सिंपल एज यू नो पेन और एनीथिंग। सो माई फ्रूट वॉज ऑरेंज, आई वॉन्ट यू टू चूज योर फ्रूट और वेजिटेबल एंड देन वील डू दिस एक्सरसाइज, ठीक है। मेरे सारे क्लासमेट्स कह रहे होंगे ये हमने किया, ठीक है। सो आई होप यू एंजॉयड दीज थ्री अमेजिंग थिंग्स दैट आई टोल्ड यू, एंड यू कीप योर सेल्फ बिजी एंड द किड्स बिजी विद दैट। आई विल सी यू डे आफ्टर एट 5 o'clock. टेक केयर, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, खुदा।